नमस्कार, दिनभर की हर खबर से आपको करने खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दे दें कि कर्नाटक में सस्पेंस जो चल रहा था, कम से कम अभी के लिए स्पष्ट हो गया है कि कर्नाटक में सरकार बीजेपी की बन रही है। 9:30 बजे कल सुबह येदियुरप्पा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। इस ऐलान के बाद से, इस फैसले के बाद से कांग्रेस में बहुत ज्यादा नाराजगी है, लेकिन अभी तक जो जानकारी हमें मिल पा रही है उसके अनुसार इस शपथ ग्रहण समारोह में न तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे और न ही बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह इसका हिस्सा होंगे, लेकिन कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के येदियुरप्पा शपथ मुख्यमंत्री की लेने वाले हैं। अब उनके सामने 21 मई तक का समय होगा जब बहुमत साबित करेंगे। बीजेपी के पास अभी 104 कुल सीटें हैं, 112 का आंकड़ा उन्हें चाहिए। कहां से जुटेगा ये किसी को नहीं मालूम, क्योंकि सामने जो जेडीएस और कांग्रेस हैं वो दोनों पहले ही हाथ मिलाने का ऐलान कर चुके हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने इस पर क्या कहा है आपको सुनाते हैं। मैं अभी बाद में वहां दे रहे हमारे मुरलीधर राव, वो बंद मिल चुका है। दो मिनट आगे बात करेंगे। अभी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मुझे जाके पत्र आया है क्या, देखने दो। इन्विटेशन मिल चुका है, लगता है सर आपकी रिएक्शन नहीं लगता पत्र आ गया। तो प्रकाश जावड़ेकर से संवाददाता सवाल पूछ रहे थे इसी मुद्दे पर। दरअसल जनता दल सेक्युलर को समर्थन देने का वायदा कर दिया था कांग्रेस पार्टी ने, कहा था कि वो कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री के तौर पर समर्थन देने के लिए तैयार हैं। पहुंच गए थे वो गवर्नर के पास, गवर्नर के सामने दो विकल्प थे, या तो समर्थन के साथ जो 116 विधायकों की सूची दी गई थी उन्हें न्योता देते, कुमारस्वामी को न्योता देते कि वो कर्नाटक में सरकार बनाए, या फिर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को न्योता मिलता सरकार बनाने का। कर्नाटक के राज्यपाल ने फैसला किया कि सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते बीजेपी को यह न्योता दिया जाए। अब कांग्रेस अपनी तरफ से यह आरोप लगा रही है कि दरअसल ये जो समय दिया गया है बीजेपी को, इसलिए दिया गया है ताकि वो खरीद फरोख्त कर सकें एमएलएज का, और इसीलिए जेडीएस कांग्रेस दोनों वही जो रिजॉर्ट वाली राजनीति होती है जहां पर महफूज रह सकते हैं विधायक, जहां पर उनके पोचिंग का प्रयास नहीं किया जा सकता है, वहां लेकर चले गए हैं अपनी अपनी बसों में बिठाकर। लेकिन इस सब के बीच बीजेपी पूरी तरीके से आश्वस्त है कि बहुमत उनका साबित हो जाएगा कर्नाटक में। 21 मई तक का समय दिया गया है। हालांकि कुमारस्वामी ने अपनी तरफ से यह कह दिया कि जेडीएस के विधायकों को 100 करोड़ का ऑफर दे दिया गया था। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता राहुल श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं। राहुल, 21 मई तक का समय, कल 9:30 बजे शपथ ग्रहण, लेकिन इस सब के बीच इतना आसान लग रहा है रास्ता क्या बीजेपी के लिए और येदियुरप्पा के लिए? तो ये हम कह सकते हैं कि अभी तक राज्यपाल की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है इस चीज की कि उन्होंने बीजेपी को इन्वाइट किया है। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि 9:30 बजे ये स्वेयरिंग इन सेरेमनी होगी। उस ट्वीट को भी बीजेपी ने विड्रॉ कर लिया है, लेकिन जहां तक आधिकारिक पुष्टि एक तरह से हो रही है, इस पुलिस के महकमे में चिट्ठियां जारी हो गई हैं कि ये खबर आई है कि गवर्नर ने बीजेपी को इन्वाइट किया है, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था बैंगलोर में कड़ी की जाए। नहीं, जैसा आप कह रही हैं, बीजेपी के लिए रास्ता अब शायद और मुश्किल हो गया है, क्योंकि पिछले 24 घंटों में जेडीएस और कांग्रेस ने एक कवायद करके ये पूरी कोशिश कर ली है कि किसी भी तरह से उनके साथ आए जो विधायक हैं वो किसी भी तरह से ना टूटे, और इस कोशिश में बीजेपी के लिए मुश्किल ये है कि जब वो अगर इनको न्योता मिल भी जाता है और अगले 7 दिनों में अगर उनके पास नंबर्स नहीं आते हैं और जेडीएस और कांग्रेस अपने विधायकों को साथ रख पाते हैं, तो बीजेपी के लिए एक बहुत एम्बैरेसिंग, एक बहुत ही ज्यादा विवादास्पद स्थिति हो जाएगी। नहीं, पर राहुल, चूंकि आप कह रहे हैं कि आधिकारिक न्योता राज्यपाल की तरफ से नहीं आया है, तो हम कहें या नहीं कहें कि शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है सुबह 9:30 बजे येदियुरप्पा का? देखिए, ये अभी तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि गवर्नर हाउस से नहीं हुई है, मगर सरकारी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स ने कन्वे कर दिया है कमिश्नर को, उनको खबर आई है कि बीजेपी की कल शपथ ग्रहण होगी, उनको हिंसा की उम्मीद है, इसलिए सुरक्षा चौक चौबंद की जाए।
इस मुद्दे को लेते हुए अभी तक आधिकारिक पुष्टि के बिना ये बात कही जा रही है कि 9:30 बजे कल स्वेयरिंग सेरेमनी हो सकती है। लेकिन मैं अभी भी यहाँ पे कॉशन करूंगा कि गवर्नर के कम्युनिके के आए बिना इस चीज को 100% नहीं कहा जा सकता कि कल सुबह 9:30 बजे स्वेयरिंग इन सेरेमनी होगी। चलिए, मतलब संभावना है कि 9:30 बजे सुबह शपथ ग्रहण समारोह हो येदियुरप्पा का। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल इस पूरी बातचीत के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।